आज के इस वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट थ्री पीस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। इस ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाले हैं। फ्रंट पार्ट भी हम सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े पर कट करेंगे। तो फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे, तो यहाँ से हम उसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब सारे मेजरमेंट हम इस लाइन की दूसरी तरफ डालेंगे। शोल्डर के निशान लगाएंगे 5 इंच पर, जितना बैक पार्ट का शोल्डर रखें उतना ही आप फ्रंट पार्ट का रखें। जो हमने बैक पार्ट का पीस कट किया था उसे हम बराबर से सेट करके रखेंगे। हुकाई की पट्टी के लिए जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन से दूसरी तरफ हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। नेक पर निशान लगाएंगे, चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे और इसकी विड्थ पर भी निशान लगा लेते हैं। फ्रंट पार्ट की लेंथ हम बैक पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि इसमें से हम बेल्ट भी निकालने वाले हैं, तो बैक पार्ट को हम हटा देते हैं। यहाँ से आर्म होल की लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब यहाँ से हम बैक पार्ट से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट। तो ये हम आपको बता देंगे कि हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक स्टिच आएगी जब हम ज्वाइंट लगाएंगे प्रिंसेस कट का, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके इन दोनों निशान को मिला देते हैं। यहाँ से हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे, तो जितना आप बैक पार्ट में मार्जिन रखें फ्रंट पार्ट में भी उतना ही मार्जिन रखें। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे, तो नेक की लेंथ हम ले रहे हैं 7 इंच, 7 इंच पर हमने निशान लगाया। विड्थ हम लेंगे 2.5 इंच, लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ऊपर वाली लाइन से इसे मिला देते हैं। अब यहाँ से हम नेक की शेप ड्रॉ कर देते हैं, तो हम इसे राउंड ही रख रहे हैं। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हम बाद में कट करेंगे सही तरीके से, तो पहले हम रफली ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे, जिसे हम योग पट्टी भी कहते हैं। तो 2 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, तो 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच कपड़ा सिलाई में दब जाएगा। हम निशान लगा लिए हैं, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे योग पट्टी को शेप देने के लिए, और ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हमने लिया था 34 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच, और इसमें हम 0.75 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4.25 इंच पर, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट राउंड हमारे पास है 30 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच, निशान लगाएंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 8 इंच पर हमने निशान लगाया। अब इस निशान से फिटिंग वाली लाइन तक हम इंच टेप को ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। अब हमारे पास जो मेजरमेंट आया है, जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इसके दोनों तरफ हम निशान लगा लेते हैं। और अब यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं। हमारे पास डार्ट की चौड़ाई आ गई है। अब चेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से हम प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। अब हमने डार्ट के लिए जो लाइन ड्रॉ करी है, इसमें इतना कपड़ा हमारा, लगभग आधा इंच कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा। जो अंदर वाला पार्ट है इसी को हम कट करके निकालेंगे, और यहाँ से भी हमारा इतना इतना कपड़ा हमारा सिलाई में दब जाएगा। जो सेंटर वाली लाइन है उसी से हम इसे कट करेंगे। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसका बेल्ट निकाल लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे।
स्लीव्स भी हम सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े पर हम कट कर लेते हैं। तो इसे हमने इस तरह से फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। दोनों स्लीव्स हम एक साथ कट करेंगे। सबसे पहले हमने जो बैक पार्ट कट किया है इसका हम आर्म होल मेजर कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देते हैं और इंच टेप को ऐसे घुमाते हुए हम इसका आर्म होल नाप लेते हैं। तो ये आ गया है 8 इंच। यहां से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्लीव की लेंथ हम रख रहे हैं 3.5 इंच, तो 3.4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां से 2.5 इंच अंदर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। यहां से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और अब इस तिरछी लाइन का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इंच टेप को हम ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं। अब यहां से 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे और नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ऊपर की तरफ हम हल्का सा कर्व दे देते हैं। तो ये हमारे स्लीव का बैक आर्म होल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहां से हम फ्रंट आर्म होल भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां से मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर। यहां पर 2 इंच एक्स्ट्रा ये है कपड़ा हमने इसी तरह से कट किया था ये। और यहां से स्लीव राउंड का हाफ करेंगे हम, निशान लगाएंगे। यहां से भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन, निशान लगा दिया है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बैक आर्म होल से कट करेंगे, उसके बाद में हम इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। हमने बैक आर्म होल से कट कर लिया है, सेंटर पॉइंट पर हमने नॉचेस लगा दिए हैं और अब यहां से दोनों स्लीव्स को हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव हमने कट कर ली है लाइनिंग के कपड़े पर। ये हमारा मैन फैब्रिक है, तो जो हमने लाइनिंग के पीस कट करे हैं वो बराबर से रख के हम मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। देखिए हमने पहले बैक पार्ट कट कर लिया और उसके बाद में हमने ये फ्रंट पार्ट कट कर लिया, स्लीव्स भी कट कर ली हैं और ये हमने बेल्ट भी कट कर लिया है। बैक पार्ट की स्टिचिंग हमारी अलग से हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे फ्रंट साइड में, तो दोनों पार्ट हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब जो मेन फैब्रिक है उसके उल्टी तरफ ही हम लाइनिंग के कपड़े को ऐसे बराबर से सेट करके रखेंगे दोनों साइड। और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट पर हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब दोनों को हम बराबर से पकड़ के रखेंगे और बराबर से सेट करके इनको हम पिनअप कर लेते हैं। हमने बराबर से सेट करके इनको पिनअप कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे कट करेंगे, यहाँ से जो बीच वाली लाइन है इससे हम इसे कट करेंगे। टाट के लिए जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था अंदर वाला, उसी से हमने कट किया है। अब यहाँ पर हमारी जो टक्स पॉइंट की लाइन है उस पर हम नॉचेस लगा लेते हैं। जब दोनों पार्ट को हम स्टिच करेंगे तो इन नॉचेस को हम मिलाते हुए स्टिच करना है। इस तरह से हमारे एक साइड के हमारे पास 2 पीस आ गए हैं, इनको हम अलग कर लेते हैं। अब यहां से हमें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो ऐसे हम दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं सिलाई लगाकर। देखिए हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम फिर से इसका मेजरमेंट निकालेंगे, तो यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा था हमारा सिलाई मार्जिन और यहां से हमारा
वेस्ट राउंड का फोर्थ पार्ट था 7.5 इंच, और यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर ही थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे चेस्ट का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच है और आधा इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, फिर भी हमारा एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। तो जितना एक्स्ट्रा है उतना हम सिलाई में दबा लेते हैं जिससे कि ये बराबर से आ जाए। ऊपर की तरफ से भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से भी हम हल्का हल्का सा इसे दबा लेते हैं सिलाई लगाकर। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इसे बराबर से कर लिया है। अब यहाँ से एक इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, यहाँ भी एक इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो डार्ट के लिए हमने मार्किंग की है वहां से हम इस तरह से इसे कट कर लेते हैं। तो बराबर से कट कर लिया है हमने इसे नीचे से, और अब हम आर्म होल भी इसका कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से आर्म होल कट कर लेते हैं क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है। यहाँ से हमने निशान लगाया और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है इसे हम कट करके निकाल देते हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने लाइनिंग के दो पीस हमने कट करे हैं। तो जो पहला पीस है उसे हम मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेते हैं, और जो दूसरा पीस है उसका भी यूज हम आपको बता देते हैं कि उसको हम क्या यूज में लेने वाले हैं। ये हमने स्टिच लगा ली है इस पर। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। एक पार्ट के लिए हमने लाइनिंग के बेल्ट के लिए दो पीस कट करे हैं, यानी कि हमने टोटल चार पीस कट करे हैं। तो दोनों साइड के लिए हमने दो दो पीस कट करे हैं। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम इसे ब्लाउज के अपर पार्ट के साथ स्टिच कर लेते हैं। हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब जो दूसरा पीस है उसे हम ऐसे रखेंगे और बॉटम की साइड हम बेल्ट से इसे स्टिच कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हैं ऐसे हमने सिलाई लगाई है। अब ऊपर वाले पार्ट को हम ऐसे फोल्ड करके लाएंगे, और यहाँ पर जो हमने बेल्ट अटैच किया था उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे साइड से राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। ये हमने फिनिशिंग के साथ बेल्ट अटैच कर लिया है। अब साइड से बेल्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट कर देते हैं। ऐसे ही हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब दोनों पीस को हम बराबर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ से भी दोनों बराबर है, और आर्म होल की तरफ से भी हम देख लेते हैं साइड से भी ये बिल्कुल बराबर से है। अगर अनइवन हो तो कट करके बराबर से कर लें। और अब हम इसके ऊपर हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। पहले हम हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं। ये हमने हुक पट्टी लगा ली है। अब हम आई पट्टी भी तैयार कर लेते हैं। ये हमने आई पट्टी भी अटैच कर ली है। अब दोनों को हम बराबर से करेंगे, और नेक की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। तो नेक की तरफ से कट करके दोनों पार्ट को हम बराबर से कर लेते हैं। अब हम नेक लाइन फिनिश करेंगे। तो इसके लिए लाइनिंग के कपड़े में जो कपड़ा बच गया था उसमें से हम 1.5 इंच चौड़ी उरेब पट्टी कट करेंगे। ये हमने दो उरे पट्टियां कट कर ली हैं। इसे डबल फोल्ड करेंगे और नेक पर स्टिच करके नेकलाइन फिनिश कर लेते हैं।
ये हमने दोनों पार्ट की नेकलाइन फिनिश कर ली है उरेब पट्टी से। अब हमने ये जो बैक पार्ट हमने तैयार किया था, इस बैक पार्ट को हम शोल्डर से स्टिच करेंगे फ्रंट पार्ट के साथ में। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का हमारा अलग से वीडियो हो चुका है पहले, इस वीडियो के एंड में हम स्क्रीन पर भी उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये हमने शोल्डर से स्टिच कर लिया इसे, और अब हम स्लीव्स भी रेडी कर लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हम ब्लाउज पर स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करते समय आप ध्यान रखें कि स्लीव का फ्रंट आर्म होल ब्लाउज के फ्रंट आर्म होल की तरफ और बैक आर्म होल ब्लाउज के बैक आर्म होल की तरफ रहे, तो इसका आप खास ध्यान रखें। तो ऐसे ही हम दोनों साइड ये स्लीव स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की स्टिच भी लगा लेते हैं दोनों साइड। तो हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा था, 2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमने निशान लगा लिया है फिटिंग के लिए, तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है, और ये ब्लाउज पूरा बनकर तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा पफ आया है। अगर आप ऐसे बनाएंगे ब्लाउज तो बिल्कुल फिटिंग के साथ आप ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।